ଉଷୁଡୁଛି ଲାଲଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ ଛତିଶ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଚ କରିବାକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, କହିଥିଲେ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମୂଳପୋଚ ହେବେ ମାଓବାଦୀ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ତକ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଦବଦବା ଜାହିର କରୁଥିଲେ ଲାଲ ବାହିନୀ, ଏବେ ସେଠି ଥରହର ସ୍ଥିତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଘନ ଘନ କମ୍ବିଂ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ କେତେବେଳେ 20 ତ ଆଉ କେତେବେଳେ 30 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବୁଜମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମେଳି ଖବର ପାଇ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଯେଉଁଥିରେ 36 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 31 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47, LMG ରାଇଫଲ, SLR ରାଇଫଲ, ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ ସହ ବହୁ ମାନାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। कल मुठभेड़ हुई थी जिला नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में एनकाउंटर हुआ थे। इसमें एनकाउंटर के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थी, उसमें 18 पुरुष और 13 महिला माओवादी है। शिनाख्ती का प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसी आधार पर DKSFC कैडर नीति उर्फ उर्मिला है, 2 DVC कैडर, एक सुरेश, दूसरा मीना और अन्य काफी बड़ी संख्या में PLGA कंपनी नंबर 6 और PLGA प्लेटून नंबर 16 का कैडर्स और 3 ACM रैंक का भी कैडर्स है, जिनका भी डिटेल प्रोफाइलिंग का काम अभी जारी है। वेपन रिकवरी के हिसाब से देखा जाएगा, एक LMG वेपन और 4 AK-47, 6 SLR और 3 इंसास और काफी बड़ी संख्या में 303, 315 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला सीमा रे सर्च ऑपरेशन जारी रखिछन्ति सुरक्षा कर्मी। सेबडे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को सह कथा होइछन्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। किछ दिन तले रायपुर रे माओ दमन नै बैठक करिसिले शाह, माओवादी को मूलपोच करबा को शाह देथिले टारगेट। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सचिन में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केवल छत्तीसगढ़ नुहे, दिन थिला ओडिशार अनेक माओप्रबण जिले निजर स्थिति जाहिर करुथिले लाल बाहिनी। 2008 फेब्रुआरी रे नयागढ़ रे माओ हमला, जेउथिरे 15 अधिक पुलिस शहीद होइथिले। सेहि वर्ष मालकानगिरी बालीमेला रे माओवादी को गुड़ी रे 35 रु अधिक सुरक्षा कर्मी को जीवन जाइथिला। तार किछि दिन परे सेहि मालकानगिरी रे लैंडमाइन विस्फोरण रे 21 पुलिस शहीद होइथिले। विभिन्न समय रे लाल बाहिनी तार उपस्थिति जाहिर करिथिला। एबे समय बदलिछि, अंचल होइछि माओ मुक्त, सुरक्षा कर्मी को अनवरत प्रहार लोकों को देउछि सुरक्षा। ବିରୋଇନପୁର ସହ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରୁ ବିକାଶ ସୁଆରଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।